ये केवल ये 35% उन लोगों के 90% से भी ज्यादा है जो लोग सभी सुख सुविधाओं और सब चीजों के साथ पढ़ते हैं। ये 35% जो है ये एक अलग मिसाल है दिवाकर। ये 14 लाख के इनामी है, मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस मिला के 14 लाख का इनाम इन पे है, और इनकी पत्नी के ऊपर 8 लाख और 4 लाख 12 लाख का इनाम है। दोनों आत्मसमर्पण करके किताब और कलम की ताकत के आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने ओपन स्कूल का कितनी बार में पास हुए, कितनी बार एग्जाम दिया आपने ओपन स्कूल का? 3 बार दिया। 3 बार आपने एग्जाम दिया। 2 बार जब आप फेल हो गए तो आप हतोत्साहित नहीं हुए? आपको लगा नहीं कि पास नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए पढ़ाई? कितने साल की उम्र में आप माओवादी संगठन में चले गए? 16 साल उम्र। 16 साल उम्र में गए। तब तक आपने कितनी पढ़ाई की थी? 5वीं। 5वीं पढ़ के आप जो है माओवाद संगठन में चले गए थे जी। कितने वर्ष आपने काम किया माओवाद संगठन में? 17-18 साल आपने काम किया। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। आप सभी एसपी अभिषेक पल्लव के अंदाज को जानते होंगे, उनके कार्रवाई करने के अंदाज को आप जानते होंगे, लेकिन आज आपको ऐसा अंदाज उनका हम दिखाने वाले हैं जिसमें वो खुद पहली बार पत्रकार बन के किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। कंप्लीट वीडियो है, 6 मिनट के आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले पूरा मामला क्या है ये आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले यानी 15 मई को जो है छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए 10वीं और 12वीं के, जिसमें काफ़ी बच्चे जो है वो पास हुए, और काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पास कुछ नंबर से नहीं हो पाए ओपन बोर्ड एग्जाम में। आपको बता देते हैं कि कवर्धा जो पुलिस विभाग है वो लगातार उन बच्चों को, उन गांव के बच्चों को लगातार सपोर्ट करते आ रही है, उन्हें हौसले देते आ रही है कि आपको आगे शिक्षा करनी है और आगे आपको बढ़ते रहना है। इसको लेते हुए अभिषेक पल्लव भी जो है वो एक्टिव रहते हैं, और अभी जो बच्चे पास हुए उनमें से एक ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सरेंडर किए हुए माओवादी हैं, जिनको नक्सलियों द्वारा नाम दिया गया था दिवाकर, जिन्हें घर में बुलाया जाता है लिब्रो कोराम के नाम से। एसपी अभिषेक पल्लव जो पत्रकार बनकर इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया कि आपको घर में क्या बुलाया जाता है, तब उन्होंने बताया कि मुझे घर पे जो है लिब्रो कोराम के नाम से बुलाया जाता है। और उनसे अभिषेक पल्लव ने उनका परसेंटेज भी पूछा ओपन बोर्ड एग्जाम देने के बाद, 10वीं बोर्ड में आपका कितना रिजल्ट आया, तो उन्होंने बताया कि 35% जो है उस सरेंडर किए हुए माओवादी का रिजल्ट रहा है। और इसे सुनने के बाद एसपी अभिषेक पल्लव ने यह भी कहा कि जो आपके 35% है उस 90% से काफ़ी ज़्यादा है जो सभी सुख सुविधाओं में रहकर पढ़ाई करते हैं और ये रिजल्ट 90% लेके आते हैं। तो काफ़ी मोटिवेशनल बातचीत वो वहाँ कर रहे हैं, और पहली बार डॉक्टर अभिषेक पल्लव कवर्धा एसपी ये अंदाज में नज़र आए पत्रकार बनकर माओवादी का, सरेंडर किए हुए माओवादी का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं। बाकी आप आगे वीडियो में देखिएगा पत्रकार बनकर जब ये अभिषेक, एसपी अभिषेक पल्लव ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। ओपन बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देकर पास हो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नॉर्मली मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं एक सरेंडर्ड माओवादी का, जो कि मोटिवेशन है बहुत लोगों के लिए। आप देखते हैं बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। आपको सीखना चाहिए इस सरेंडर्ड माओवादी से। क्या नाम है आपका? दिवाकर है। दिवाकर नाम है। घर का नाम, स्कूल का नाम क्या है आपका? घर का नाम तो लिब्रू है। लिब्रू है, माओवादियों ने आपको नाम दिवाकर दिया जी। कितने साल की उम्र में आप माओवादी संगठन में चले गए? 16 साल उम्र। 16 साल उम्र में गए। तब तक आपने कितनी पढ़ाई की थी? 5वीं। 5वीं पढ़ के आप जो है माओवाद संगठन में चले गए थे जी। कितने वर्ष आपने काम किया माओवाद संगठन में? 17-18 साल। 17-18 साल आपने काम किया। तो 17-18 कौन कौन से हथियार लेकर घुमा करते थे आप? AK-47 लेके घुमा करते थे। जब आप माओवाद संगठन में थे तो क्या आप स्कूल सबको बंद कराने के काम में कभी लगे हुए थे? उसमें तो नहीं था सर। स्कूल बंद नहीं कराते थे आप? किन चीजों को नुकसान करते थे आप लोग? डेवलपमेंट के जो कार्य है, विकास, कौन से कार्य को अवरोध करते थे आप लोग? ये जो सरकारी का रोड है, रोड, पुलिस कैंप, इस पर आप विरोध करते थे जी। तो आपने आत्मसमर्पण कब किया? 2021 में आपने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद ये पढ़ाई की जुनून आपके अंदर कैसे आया? मतलब मेरे को सोच में आया कि कैसे भी मैं अभी जो आए हैं कैसे भी 10वीं तक पढ़ूंगा, ओपन स्कूल में पढ़ के अपना जो विकसित होऊंगा, वहाँ जो रहते समय में पूरा स्कूल नहीं, ना कुछ नहीं, शिक्षित नहीं है, पूरा खाली और लड़ाई का, पढ़ाई पढ़ाना ये करना करते थे सर, इसलिए मेरे को
अभी आपने ओपन स्कूल का कितनी बार में पास हुए, कितनी बार एग्जाम दिया आपने ओपन स्कूल का? तीन बार आपने एग्जाम दिया, दो बार जब आप फेल हो गए तो आप हतोत्साहित नहीं हुए? आपको लगा नहीं कि पास नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए पढ़ाई? नहीं सर, कैसे भी पास करूंगा दसवीं करके, मेरा सोच। जब आपने आत्मसमर्पण किया तो आपकी पत्नी ने भी साथ में आत्मसमर्पण किया जी, और वो 5 लाख की इनामी थी जी, और आपके ऊपर 14 लाख का इनाम था जी। तो जब आपकी पत्नी जब सरेंडर की तो वो भी क्या पढ़ाई कर रही है? वो भी 3 बार दिए सर ओपन स्कूल का परीक्षा, लेकिन वो पास नहीं, 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है जी। उसको अगली साल एग्जाम दिलाओगे? दिलाएंगे सर, दिलाओगे क्या? ये देखिए इनकी बातों में कितना हिम्मत है। ये उन लोग बच्चों के लिए है जो असफलताओं से डर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इनको 35% नंबर आपको आए हैं जी। ये 35% उन 95% से भी ज्यादा है जिस मुश्किलों के साथ इन्होंने पढ़ाई की है, जिस हिम्मत के साथ की है। 16-17 साल नक्सल संगठन में काम करने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना कारण अपने आप में काबिले तारीफ है, और ये उदाहरण है उन बाकी माओवादियों के लिए जो जंगल में जो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, विकास में रोड़ा बन रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। उनसे क्या अपील करना चाहोगे उन माओवादियों से? हम तो वही चाहते हैं सर कि उन लोग भी जंगल में भटक रहे हैं और घूम रहे हैं दिन दहाड़े, पूरा रात विकल सब दिन में घूम रहे हैं। उन लोग भी आके हमारे जैसे आत्मसमर्पण करके पूरा हमारे जैसे घर बसन है सब जिंदगी हमारे जैसे। दिवाकर, ये 14 लाख के इनामी है, मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस मिला के 14 लाख का इनाम इन पे है, और इनकी पत्नी के ऊपर 8 लाख और 4 लाख 12 लाख का इनाम है। दोनों आत्मसमर्पण करके किताब और कलम की ताकत के आगे बढ़ रहे। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कलम की जीत होगी कि हथियार की जीत होगी? कलम की जीत होगी। कलम की। कौन सा हथियार पकड़ते थे आप? AK-47। देखिए कलम के सामने AK-47 भी फीका है। धन्यवाद।